हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन भल्ला एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट IIT रुड़की। हर कॉलेज की अपनी एक फ्रेशर्स वीडियो होती है, स्पेशली IITs की आपने यूट्यूब पे काफ़ी देखी भी होंगी। और हर बच्चा ट्राई करता है, स्पेशली मेरे जैसा जो कि इतना अटेंशन सीकर, सेल्फ ऑब्सेस्ड, नार्सिसिस्ट, सेल्फ सेंटर्ड, आई रियली नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो पॉइंट इस कि हर बच्चा ट्राई करता है फनी आंसर्स देने की, ताकि वो अपने कॉलेज के फ्रेशर्स वीडियो में फीचर हो पाए। और आज इस वीडियो में मैं अपने वो आंसर्स डालूंगा जो मैंने रिकॉर्ड किए थे अपने फर्स्ट ईयर में IIT रुड़की की फ्रेशर्स वीडियो के लिए। सारे तो ऑब्वियसली फीचर नहीं हो पाए, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इनको बनाने में, और तब कहीं पर अपलोड भी नहीं किए थे। और अब मैंने सोचा कि अगर इतना कंटेंट डाल ही रहा हूँ तो वाई नॉट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रो। Hey guys, I am Aryan Bhalla from a small city Singrur in Punjab. As a kid, I always wanted to do something unique, something different, something that has a very less success rate, and I play cricket a lot. Cricket is my life. But then I decided to become an engineer. Because not doing something that you love is exactly the criteria to become an engineer. Talking about the talents, I am a YouTuber. Oh sorry, we were talking about talent. I play cricket a lot. I also like trying comedy, but apparently people don't like that. I don't know why. I also know video editing, which you might have guessed after watching all these fancy edits in this video. Pretty much that's all. Thank you. कैंपस में पहली बार आकर मैं तो यही करूंगा। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरने हैं सांसों में, बातों में रोशनी। मेरा एक दोस्त था जो मुझे कहता रहता था कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने उसको मार दिया। याद आती है उसकी काफी। वो वापस आ जाता तो। मेरा एक बैचमेट है, वो एक ही चीज बार बार रिपीट करता रहता है। मुझे तो उसकी ये बात बहुत वियर्ड लगती है। तो मैं क्या कह रहा था, मेरा एक बैचमेट है, वो एक ही चीज बार बार रिपीट करता रहता है। मुझे ये चीज बहुत वियर्ड लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो रोज़ इतने घंटे पढ़ लेंगे तो उनका JEE पक्का निकल जाएगा, और वो रोज़ बस घंटों तक पढ़ते ही रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए, ताकि जो आप चीज़ पढ़ रहे हो उसको बेटर एब्जॉर्ब कर सको। तो ये सब समझाने मैं आ रहा हूँ अनअकैडमी पर लाइव, कल यानी कि 5th of December रात 8 बजे। क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप खुद एक JEE एस्पिरेंट है या फिर आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, 5th December रात 8 बजे। हाय। How will you propose a senior? I won't. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. As you know, startup is all about helping people and solving people's problems. My idea is exactly going to do that. और जैसे कि इंडिया में बहुत कहते हैं कि startups males को ज़्यादा hire करते हैं, guess what? My startup will only hire females. This is going to be the game changer of women employment in India. देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदें।
अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर। अगर मैं लड़की होता फिर मैं ये वीडियो थोड़ी ना बना रहा होता। मेरा भी कोटा लगता, मैं डेली इलेक्ट्रिकल जाता। मैं चेस बहुत अच्छे खेलता हूं। ये नहीं कर पाएंगे, इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धी साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना पीआर टीम के अपू ना रेले न्यूज़पेपर पे।